हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा ये केवीएल क्या होता है, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं केवीएल। इसके बाद हम नए टॉपिक पे मूव करेंगे। सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं केवीएल, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट आर रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द कंडक्टर इज एनी closed path or mesh in a network. The algebraic sum of the EMF is that patch is zero. ये होता है KVL। अब मैं दोस्तों आपको इसका मतलब हिंदी में बताता हूँ। यह निम्नानुसार है, एक नेटवर्क में किसी भी बंद पथ या जाल में कंडक्टरों और प्रतिरोध से प्रत्येक में बीजीय राशि के उत्पादों का बीजगणित योग और ईएमएफ के बीजगणित योग उस रास्ते में शून्य है। ये होता है केवीएल। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो मेरे से तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन में डाउट हो, या आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल या कुछ भी थ्योरी रिलेटेड। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। फ्रेंड, मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिज़िक्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 10वीं की फिज़िक्स है, और 10वीं की फिज़िक्स में आपको ये चीज़ बहुत हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर में बेसिक से रिलेटेड सारी A to Z चीज़ बताऊंगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, और पेपरों में इसमें क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये वर्क क्या होती है। वर्क इज सेट टू बी डन बाय फोर्स इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वर्क, जैसे कोई भी बंदा या कोई भी बॉडी कोई भी डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो उसे हम वर्क कहते हैं। जैसे कोई भी बॉडी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी तो वो वर्क करेगी, वो होती है वर्क। मतलब कोई भी काम करे बिना हमें वर्क, सॉरी, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिना हिले तो जा नहीं सकता, उसे वर्क करना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, तो उसे हम वर्क कहते हैं। ये होती है वर्क। अगर आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊँ तो इसका मतलब होता है बल को बल से किया जाता है। अगर बल के आवेदन के बल बल की ओर जाता है तो बल की प्रक्रिया को हम काम कहते हैं, वर्क, जिसका मतलब है। अब आता है अगला पावर। पावर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अगर कोई भी बॉडी काम करेगी तो उसकी मेहनत तो लगेगी, उसकी पावर तो लगेगी। जैसे अगर इसका हिंदी में मतलब बताया जाए तो काम करने की दर शक्ति को हम पावर कहेंगे। इसके बाद एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता की ऊर्जा कहा जाता है एनर्जी को। इसका हिंदी में ये मतलब है एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका एनर्जी तो लगेगी, उसके पास जाने के लिए उसकी एनर्जी तो लगेगी, उसको लॉस तो होगा एनर्जी का। ये होती है एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इनकी यूनिट्स के बारे में। वर्क की यूनिट हमेशा जूल में मेजर की जाती है, न्यूटन इनटू मीटर इक्वल्स टू NM होती है, इक्वल्स टू जूल। इसकी यूनिट हमेशा जूल में मेजर करेंगे। और पावर की यूनिट हम वाट से मेजर करते हैं, और इसकी यूनिट भी वाट होती है, NM और जूल अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू 1 किलो वॉट इक्वल्स टू
थाउजेंड वॉट इक्वल ये होती है वॉट, इसकी यूनिट पावर की यूनिट वॉट ही होती है, और एनर्जी की यूनिट भी सेम एज वर्क होती है, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही है, तो इसलिए दोनों की यूनिट वर्क होती है। ये था हमारा दोस्तों वर्क पावर एंड एनर्जी। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।